आज की जनरेशन 10,000 रुपये डीमेट में डाला, डीमेट के बहुत सारे आजकल ऐड आते हैं, कहीं से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और 10,000 रुपये डाला और सीधा ऑप्शन में कूद गए। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर किसी के मन में चलता हुआ सवाल, और इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में भी चलते रहते होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसे ही कुछ किसी के मैंने कई बार सुना है कि कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, कोई एफएंडो कर रहा है, बट इनके मतलब होते क्या हैं, ये ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इनके मीनिंग क्या होते हैं। कोई बोलता है कि ऑप्शन कर रहा हूँ मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, कोई बोलता है फ्यूचर कर रहा हूँ मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, ये होते क्या हैं। तो आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे का मतलब होता है क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा और पोजिशनल का मतलब क्या होता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने के लिए इसके जो सेगमेंट्स होते हैं, तीन सेगमेंट्स होते हैं जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट जिसमें करेंसी में ट्रेड किया जाता है, कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर है ना एंड मेटल्स आते हैं, और इक्विटी जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर्स हम खरीद या बेच सकते हैं जिसको हम इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। अभी हम बात करेंगे ओनली इक्विटी सेक्टर्स की। आगे जब आप वीडियो में आप देखेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम कमोडिटी और करेंसी मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम इक्विटी के बारे में समझ लेते हैं कि इक्विटी होता क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। इक्विटी मार्केट, जब हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी के दो सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है इक्विटी कैश और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स। इक्विटी कैश में क्या क्या होता है, इक्विटी कैश या उसको स्टॉक कैश बोल सकते हैं या ओनली कैश भी बोल सकते हैं, ये ऐसी मार्केट की टर्मोलॉजी है। और जब हम बात करेंगे इन टर्मोलॉजी की तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं हम लोगों को, और हम कई बार इनका नुकसान भी हमको भुगतना पड़ जाता है, कई बार लॉस भी कर लेते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हमने बस ये है कि आज की जनरेशन क्या कर रही है। आज की जनरेशन 10,000 रुपये डीमेट में डाला, डीमेट के बहुत सारे आजकल ऐड आते हैं, कहीं से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और 10,000 रुपये डाला और सीधा ऑप्शन में कूद गए, क्योंकि क्या लग रहा है कि ऑप्शन में देखा है कि यार जो छोटी छोटी प्रीमियम होती है सस्ते में काम हो जाता है, और एक होप होती है ऑप्शंस के अंदर कि 2 रुपये का प्रीमियम मेरा भी 200 रुपये जाएगा। बस उसी उम्मीद के साथ हम कितना ही लॉस कर लेते हैं, कभी कभार प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभार लॉस हो जाता है। बस जो प्रॉफिट होता है तो एक उम्मीद जग जाती है कि नहीं यार पैसा बनेगा, फिर हम वेट इंतज़ार करते रहते हैं, नई नई सैलरी आएगी, कहीं से पैसा आएगा, फिर हम डीमैट में डाल देते हैं। जब लॉस होता है फिर कसम खा लेते हैं कि नहीं अब नहीं करना है, बट क्या होता है ये कसम भी हम ही तोड़ देते हैं। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि होते क्या क्या हैं। इक्विटी मार्केट जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं बेचते हैं, इसका प्राइमरी मार्केट होता है आईपीओ। जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईपीओ के थ्रू फंड कलेक्ट करती है। जब फंड कलेक्ट करने के बाद उसकी जब लिस्टिंग होती है तो मार्केट में उसकी लिस्टिंग होती है, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। ये शेयर हम किससे खरीदते हैं, जब भी कंपनी डायरेक्टली जब अलॉटमेंट करती है आईपीओ के थ्रू, तो हमारे जैसे रिटेलर हैं या बड़े इन्वेस्टर HNI इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, उन लोगों को अलॉट हो जाते हैं। और जब हम वहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स को खरीदने जाते हैं तो हमारे जैसे रिटेलर है, किसी ने बेचा हमने खरीद लिया, बस वैसा ही ये रोटेशन चलता रहता है। तो इन शेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो पैसा लगता है वो आपका 100% पैसा लगता है। मतलब इस पैसे को क्या है, कंपनी यूज़ करेगी और हम क्या करेंगे, उस कंपनी जो उस पैसे को यूज़ करती है उसके बेसिस पे हमको डिविडेंड एंड बोनस मिलते रहते हैं। टाइम उसके क्राइटेरिया होते हैं, उस पर भी हम आगे डिस्कस चर्चाएँ करेंगे कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कैसे बोनस या डिविडेंड मिलता है। बोनस डिविडेंड इस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चैनल पर हैं तो पुराने वीडियोज़ देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। तो जब हम ट्रेड करते हैं, मान के चलिए SBI की शेयर की बात करें, फॉर एग्जांपल 800 का शेयर का प्राइस है, तो आपको एक सिंगल शेयर खरीदने के लिए कितना फंड रिक्वायर्ड है, 800 रुपीज़। इस शेयर को खरीदने के लिए, अब जब शेयर्स खरीदा, अब मार्केट का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, इंडियन मार्केट इक्विटी मार्केट 9:15 to 3:30 चलता है। मॉर्निंग में आपने खरीद लिया इस शेयर को, 800 रुपीज़ आपके अकाउंट में थे, एक सिंगल शेयर्स आपने खरीद लिया। जैसे ही शेयर्स खरीदा उसके 2 सेकेंड 5 सेकेंड 2 मिनट 5 मिनट 3:30 के पहले आपने बेच दिया, तो जो ट्रेडिंग आपने किया था, इस ट्रेडिंग को हम क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या बोलेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, समझिएगा उस चीज़ को,
ठीक है। इस शेयर्स को मान के चलिए आपने एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए ट्रेड लेके छोड़ दिया, ठीक है, तो इसको वीकली होल्डिंग्स भी बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं, कि एक हफ्ते दो हफ्ते एक महीने तक हम यहाँ पर इसको होल्ड कर सकते हैं, उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं। उस ड्यूरेशन में क्या होगा, या तो उसका भाव बढ़ेगा या कम होगा। तो हम, हमारे पास क्या होता है कि ये पैसा जो हमने दिया है उस शेयर्स का पैसा हम पूरा भर चुके हैं, अभी हमारे पास राइट्स हैं, हम चाहें जब उसको बेच सकते हैं, जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा उस टाइम बेच सकते हैं, या प्राइस डिक्रीज होगा तब भी हम उसको बेच सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए उसको हमने लॉन्ग व्यू के लिए रख लिया, लॉन्ग व्यू के लिए मान के चलिए एक महीने दो महीने, तो इसको शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स भी हम उसको बोलते हैं, या इसको हम पोजिशनल ट्रेड भी कहा जाता है, कि एक महीने दो महीने में अच्छा रिटर्न्स आएगा, 10-20% का हम बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि कई बार आपने सुना होगा पोर्टफोलियो, मतलब कि यही शेयर्स को हमने लॉन्ग टाइम के लिए रख लिया, 5 साल 10 साल 20 साल नहीं, बस हम उसमें ऐड करते जाएंगे। तो जो शेयर्स हम ऐड करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के शेयर होते हैं, उसको हम फिर बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, जिसमें खरीदा आज ही खरीदा और आज ही बेचा, वो ये नहीं कि इक्विटी हो, वो कमोडिटी हो सकता है, वो करेंसी, जहाँ पर भी आज खरीदा था और आज ही बेच दिया वो इंट्राडे ट्रेडिंग हुई। तो जो एक दिन की जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको दो हफ्ते चार हफ्ते के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है इसी के साथ BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, हमको लग रहा है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर कि बाजार कल अच्छा ओपनिंग दे सकता है, तो उस कंडीशन पे हम शेयर्स को खरीद लेते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते से हम उसमें बुकिंग कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं BTST ट्रेडिंग। चलिए अब आते हैं दूसरा, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स, डेरिवेटिव दो पार्ट्स में बटा हुआ, जिसको वायदा बाजार भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स कौन से, एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एफ एंड ओ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, फ्यूचर्स के अंदर जब भी हम ट्रेड करते हैं, मान के चलिए SBI का शेयर आपने खरीदा था, SBI का शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब डेरिवेटिव में भी लिस्टेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि राइट से हम जितने भी शेयर चाहें उतने खरीद सकते हैं हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बट फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये शेयर्स का एक बंच आपको मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कर दिए जाएंगे कि इतने शेयर मिनिमम आपको खरीदना है, मान के चलिए 1000 शेयर्स खरीदना है, तो अगर आपको SBI का फ्यूचर अगर खरीदना है तो उसको 1000 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा। फ्यूचर के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर में 3 महीने के ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि आप 3 महीने के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको खरीद सकते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी टाइम वैल्यू कुछ नहीं होता है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा, अभी चल रहा है मई चल रहा है, मई जून जुलाई 3 महीने के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, आप लास्ट वाला मई जून जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं, बट करंट में क्यों जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमको वॉल्यूम्स मिलते हैं। ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम कैश में जहाँ पर जो अगर 1000 शेयर्स अगर हमको खरीदना है तो वहाँ पर कितना पैसा हमको लग रहा है, 8 लाख रुपीज़ लग रहा है। फ्यूचर्स के अंदर जो 8 लाख है उसका 20% आपको देना पड़ रहा है, 20% कितना हो रहा है, ये अमाउंट चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो ओनली उसका प्रीमियम देना पड़ेगा, हाँ समझिए, कैश में ज़्यादा लग रहा है, फ्यूचर में और कम लग रहा है, और ऑप्शन में और भी कम लग रहा है, बट हम कम के चक्कर में ये नहीं देखते कि हमारी रिस्क कहाँ पर बढ़ती जा रही है। कैश के अंदर अगर 8 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आप जब भी चाहें उसको होल्ड रख सकते हैं, जब तक भी शेयर, जब भी आपको लग रहा है कि 2000 का होगा तब बेचेंगे, या अगर मान के चलिए 600 रुपये भी उसका रेट आ गया और आपको नहीं बेचना है तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वह शेयर आपके हैं। जब भी कंपनी के अंदर कोई एनुअल मीटिंग, कोई भी फंक्शन, कुछ भी एक्टिविटी होगी तो आपको उसका मेल मिलेगा, आप उसमें वोट नहीं कर सकते बट आपको उसकी पूरी एक्टिविटी मिलेगी कि SBI में क्या क्या चीज़ें चल रही है। दूसरी चीज़, आपको बोनस और डिविडेंड के लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है कि इस इतने ड्यूरेशंस के लिए अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो आपको बोनस या डिविडेंड भी दिया जाएगा। अब ऑप्शन में क्या हो गया, एक प्रीमियम दे दी। प्रीमियम में क्या हो गया कि मान के चलिए 800 का प्राइस चल रहा है, ठीक है, अब अगर हमको लग रहा है कि 850 जाने वाला है इस बार, SBI का भाव इस महीने में 850 जाने वाला है, तो प्रीमियम हमने डिसाइड कर दी। अब ये प्रीमियम क्या हो गया, धीरे 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 इसका टाइम वैल्यू धीरे धीरे डिके होता जाता है, मतलब कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द मनी की जिसको बोला जाता है, तो वो आउट ऑफ द मनी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और एक रिटेलर या नया बंदा क्या करता है, वो छोटी प्रीमियम खरीद कर होल्ड कर देता है कि लगता है कि यार 800 से 850 भी चला जाएगा तो मुझे पैसा बनेगा, नहीं, वो वैल्यू जीरो हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो खत्म हो जाएगा,
तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमको सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए कि हमारा बेनिफिट कहाँ पर है। ये नहीं देखें कि हम सस्ते प्रीमियम के चक्कर में ऑप्शन में घुस जा रहे हैं। अगर निफ्टी में जाएंगे तो और भी कम आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी इनमें जाएंगे तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट सस्ता प्रीमियम खरीद कर हम ये तो नहीं कि हमारा जो मेन पैसा है उसको हम लॉस में डुबा देंगे। तो ट्रेडिंग करते टाइम ये सब सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जब भी इंट्राडे का आपके पास मीनिंग आता है, इंट्राडे का मतलब ये नहीं कि ऑप्शन या फ्यूचर, इंट्राडे का मतलब है कि अगर आपने ऑप्शन में भी खरीदा और आज ही बेच दिया तो वो हो गया इंट्राडे। BTST का मतलब होगा बाय टुडे सेल टुमारो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होगा कि आज आपने खरीदा, एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद हम उसको सेल करने वाले हैं। पोजिशनल का मतलब है 2-4-6 महीने के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो अगर हम कोई क्रिएट डेवलप कर रहे हैं तो ये है कि हम उसमें अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स एड ऑन करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और जो भी अपने वैल्यूबल कमेंट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सभी का।